My name is Shahid Hussain Bhutto, lecturer in physics at Cadet College Sangar. Today is my first lecture on lenses for class first year. ये स्कीम हमने बनाई हुई है कि जो आज हम लेक्चर देंगे लेंसेज के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंसेज का इंट्रोडक्शन है, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन यूज फॉर द लेंसेज, टाइप्स ऑफ द लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस फैमिली, रूल्स फॉर द रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव लेंस फैमिली, रूल्स फॉर द रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव लेंस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ द लेंसेज, और आखिर में हम इस लेक्चर को क्या समराइज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस, कि व्हाट इज अ लेंस. अ लेंस इज ऑप्टिक ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट डिस्पर्स आर कन्वर्जेस अ लाइट रे बाय मींस ऑफ रिफ्रेक्शन. ये एक ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके जरिए हम लाइट रेज को या तो डाइवर्ज करते हैं या तो कन्वर्ज करते हैं एट अ पॉइंट के ऊपर. सिंपल लेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटीरियल. द ट्रांसपेरेंट मटीरियल इज मेड फ्रॉम द ग्लास और प्लास्टिक. ये ट्रांसपेरेंट मटीरियल है और ये मेड होता है या तो ग्लास से या तो प्लास्टिक से. और ये इनकी फिगर है कि जैसे देखें कि ये प्लास्टिक लेंस है और ये ग्लास लेंस है. टाइप्स ऑफ द लेंसेज, देर आर टू टाइप्स ऑफ द लेंसेज. वन इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज द कॉन्केव लेंस. बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन. ये बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन जो है लेंसेज के रिलेटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ अ पॉट ऑफ व्हिच अ लेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. या सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्फीयर दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. यहाँ पे आप देखें कि ये फिगर बनाई है हमने, दो स्फीयर्स हैं जिनको आपस में हमने ज्वाइन किया हुआ है. इसके सेंटर में आप देखेंगे तो एक स्फेरिकल कर्व ये है तो एक स्फेरिकल कर्व ये है. तो दैट मींस कि ये दोनों जब कंबाइन हुए तो एक लेंस बना जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस. अब अगर इनको हम अलग अलग करें तो इस स्फेरिकल कर्व का जो स्फेयर है वो ये है और इस स्फेरिकल कर्व का जो ये स्फेयर है ये कंप्लीट स्फेयर बनता है. तो दैट मींस कि इस स्फेरिकल कर्व के साथ जो इसका सेंटर रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड द C1 और इस स्फेरिकल कर्व के साथ जो सेंटर रिलेटेड है दैट इज द C2. तो दैट मींस कि ये C1 एंड C2 दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. ऐसे ही फिर फॉर कॉन्केव लेंस के लिए हमने यहां पे देखे कि दो स्फीयर्स एट अ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनको हमने ज्वाइन किया हुआ है. तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है आप देख रहे हैं कि ये थिनर है, उसकी एजेस क्या है, थिकर है. जिस लेंस का सेंट्रल पार्ट थिनर होता है और एजेस थिकर होती है उसको हम कहते हैं कॉन्केव लेंस. तो दैट इज कॉल्ड द डबल कॉन्केव लेंस. इस स्फेरिकल कर्व का सेंटर ये है और इस स्फेरिकल कर्व का सेंटर ये है. तो दैट मींस कि हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड द C1 और ये क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द C2. तो इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2. प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज अ इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. दैट मींस कि ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को आपस में ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है. तो इन दोनों को, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन आपस में ज्वाइन कर रही है इसको हम कहते हैं सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस. ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इट इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. A ray passes through optical center of a lens without any deviation. That means कि किसी भी लेंस का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर. और इस ऑप्टिकल सेंटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब भी लाइट रे उसमें से क्रॉस होती है तो उसके ऊपर कोई भी रिफ्रेक्शन का अमल नहीं होता. यहाँ पे आप देखें कि ये एक हमने लेंस लिया हुआ है, ये इसका है ऑप्टिकल सेंटर. लाइट रे इस तरफ से ऐसे जा रही है या इस तरफ से ऐसे आए या ये प्रिंसिपल एक्सिस जैसे ही सेंटर को क्रॉस कर रही है तो इसके ऊपर कोई भी रिफ्रेक्शन का अमल नहीं हो रहा. तो दैट मींस कि लाइट बेंड नहीं हो रही, जैसे आ रही है, जैसे लाइट रे आ रहा है वैसे ही वहां से क्रॉस करके निकल रहा है. तो दैट मींस
कि ऑप्टिकल सेंटर में से जब भी लाइट रे पास होती है तो वहां पे कोई भी डेविएशन, कोई भी रिफ्रैक्शन का अमल नहीं होता, वो स्ट्रेट पास हो जाती है. दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर, व्हिच इज कॉल्ड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस. रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. इट इज जनरली डिनोटेड बाय द आर. यहां पे देखें कि हमने एक स्फेरिकल कर्व लिया और ये डॉटेड लाइन इस स्फीयर को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है. जब स्फीयर कंप्लीट होता है तो इसका सेंट्रल पार्ट जो है, जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इस स्फेरिकल कर्व का जो सेंट्रल पार्ट है, जिसको हम कह रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर, तो इसी ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ, focal length, it is a distance between the optical center and the principal focus is called focal length of a lens. It is generally denoted by the f. According to the figure, कि यहाँ पे देखें एक convex lens लिया है हमने, दो light rays parallel आ रही हैं with principal axis. After the passes through the lens and refraction के बाद, फिर आप देख रहे हैं कि ये दोनों light rays एक point के ऊपर meet हो रही हैं या converge हो रही हैं, जो इसकी property है lens की. क्योंकि हम इसको कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस. आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑल लाइट रेज मीट एट वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट. तो इस फोकल पॉइंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस तक जो डिस्टेंस कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. प्रिंसिपल फोकस नंबर वन, इस प्रिंसिपल फोकस नंबर वन क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस for which the image is found at infinity. Infinity का मकसद यह है कि जब light rays parallel हो जाएंगी with principal axis, तो वहां पे image जो है हम कह सकते हैं कि form होगा कहां पे, infinite position के ऊपर. तो अब यहां पे देखें कि यहां पे ये principal axis है, इसके ऊपर हमने यहां पे ये source रखा हुआ है. Source में से तीन light rays निकल रहे हैं, first one ये, second one ये है principal axis, और third one ये है. तो तीनों रेस जब इस लेंस के ऊपर गिरती हैं या इसमें से पास होती हैं, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन दीज टू रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती हैं. तो उसको हम कहते हैं कि ये व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू द लेंस, आफ्टर द रिफ्रैक्शन दीज रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द फोकस नंबर वन, जो उसकी लेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर बनता है. तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. तो इस प्रिंसिपल फोकस से लेके इस ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द एफ वन, व्हिच इज इक्वल टू द फोकल लेंथ वन. जब हम कॉन्केव लेंस के अंदर आते हैं, तो यहां पे देखें, अब यहां पे ये लाइट रेज कहां से आ रही है, कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. बट ये जो लाइट रेज है, एक ये लाइट रे है, दूसरा ये लाइट रे है, ये कहां डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एफ, एफ की तरफ डायरेक्टेड है. जब F की तरफ डायरेक्टेड है, तो अब आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो पहले पैरेलल तो नहीं आ रही थी, या आप ऐसा कहें कि हम कहें कि भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, नहीं, किसी एंगल के ऊपर डायरेक्टेड थी, किसके ऊपर, पॉइंट F के ऊपर. बट आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्केव लेंस, ये लाइट रेज क्या हो गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गए. तो दैट मींस कि हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल फोकस बनेगा राइट साइड ऑफ द लेंस, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस नंबर वन. तो ये है प्रिंसिपल फोकस नंबर वन, के जो प्रिंसिपल फोकस नंबर वन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस बनेगा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, और जो प्रिंसिपल फोकस नंबर वन थ्रू द कॉन्केव लेंस बनेगा वो राइट साइड ऑफ द लेंस बनेगा. प्रिंसिपल फोकस नंबर टू, अब इसके अंदर क्या है कि जब लाइट रेज है पैरेलल किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, आफ्टर द रिफ्रैक्शन दीज ऑल लाइट रेज मीट एट वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट, या हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस. तो ये प्रिंसिपल फोकस नंबर टू है थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस. बट यहां पर देखें कि जब लाइट रेज पैरेलल आ रही है और आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, बट अपीयर्स टू मीट एट वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस. बट इसका जो फोकस फोकसिंग पॉइंट बनेगा किसका, कॉन्केव लेंस का, वो ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बनता है. तो दैट मींस कि इन दोनों फोकस में फर्क क्या है कि पहले कमिंग फ्रॉम द लाइट रेज आ रही है, यहां पर देखें
कि ये सोर्स में से लाइट रेज आ रही है, आफ्टर द रिफ्रेक्शन पैरेलल हो रही है, यहां पे भी आफ्टर द रिफ्रेक्शन पैरेलल हो रही है, बट इसके अंदर क्या है कि जब लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन ये रियली मीट हो रही है एक पॉइंट के ऊपर और ये अपीयर्स टू मीट हो रही है एक पॉइंट के ऊपर, बट दोनों के अंदर रिफ्रेक्शन का अमल हो रहा है। तो दैट मींस के हर लेंस के अंदर दो दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं बिकॉज इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल, तो लाइट इससे से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस, अब हम कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, convex lens is also called as a converging lens or positive lens. It is thicker at the middle and thinner at the edges. इसकी physical appearance क्या है कि ये इसका जो central part होता है always thicker होता है और इसकी edges जो होती हैं वो thinner होती हैं। तो ये है क्या कि ये एक converging lens है। After the refraction, all light rays को ये एक पॉइंट के ऊपर मीट करता है या ज्वाइन करता है, तो दैट मींस इट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस या पॉजिटिव लेंस। द लाइट रेज दैट पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज और आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये या तो एक पॉइंट के ऊपर ऑल लाइट रेज को आफ्टर द रिफ्रेक्शन कन्वर्ज करता है या तो फिर ऑल लाइट रेज एक दूसरे के नजदीक आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस फैमिली, दैट मींस के एक तो है डबल कॉन्वेक्स लेंस, बट इस लेंस के शेप्स हैं, जैसे देखें कि बाय कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कहते हैं, बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के दैट मींस के एक साइड इसकी प्लेन होती है और दूसरी साइड इसकी कॉन्वेक्स होती है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस के दैट मींस के एक साइड इसकी कॉन्केव है और दूसरी साइड इसकी क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी। तो ये तीन शेप्स हैं कॉन्वेक्स लेंस के और इन्हीं तीनों के थ्रू इमेज फॉर्मेशन भी होती है और इनके रूल्स फॉर दी रे डायग्राम भी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर दी रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट रूल इज दैट कि इन कॉन्वेक्स लेंस अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रेक्शन पासिस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इस फिगर में आप देखें कि एक लाइट रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। When passes through the convex lens, so after the refraction, it passes, yeah, it converges at point, that point is called the F2, जिसको हम principal focus भी कहते हैं, principal focus number 2. So, जब भी light ray parallel होगा, principal axis के, after the refraction, other side of the lens, ये principal focus को cross करेगा, that is called the rule number 1. Rule number 2, कि इन कॉन्वेक्स लेंस अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्रेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले जब हमने लाइट पैरेलल थी तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस था, अब हम लाइट को पास करवा रहे हैं किसमें से, प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। व्हेन लाइट रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 आफ्टर द रिफ्रेक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द रूल नंबर 2। Rule number 3 is that in a convex lens, a ray of light passing through the optical center goes without any deviation. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन कर रहे थे कि जब भी लाइट रे पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस होती है तो उसके ऊपर कोई भी रिफ्रेक्शन का अमल नहीं होता और वो स्ट्रेट लाइन में पास हो जाती है। तो दैट मीन्स के व्हेन लाइट रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन, दैट इज कॉल्ड द रूल नंबर 3। Image formation by the convex lens. When the object is at infinity, the image is formed at the focus F2. It is highly diminished, real and inverted. यहाँ पे देखें कि ये एरो जो शो कर रहा है कि ये है एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है। जब लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होके convex lens में से पास होती है तो after the refraction, these all light rays meet at one point, that is called the principal focus number 2. So that means ke jab bhi light rays infinite jab bhi object ko hum infinite position pe rakhenge to wahan pe after the refraction jo image ka form hoga by the convex lens at F2 ke upar banega. Second jo image formation by the convex lens hai ke when the object is beyond the 2F1, that means ke 2F1 और infinity इन दोनों पोजीशन के बीच में हम रख रहे हैं इसको कि when the object is beyond 2F1 the image is formed between F2 and 2F2
इट इज डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पे देखिए कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 2f के बियॉन्ड रखा है, लाइट रेस पास हो रही है इस कॉन्वेक्स लेंस में से, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन द f2 एंड 2f2 के दरमियान, बट ये जो इमेज फॉर्म होगा डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा नेचर के अंदर और इन्वर्टेड होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, ये एक और इमेज फॉर्मेशन है बाय द कॉन्वेक्स लेंस, कि जब ऑब्जेक्ट को 2f1 के ऊपर रखा जाएगा तो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी h2f2 के ऊपर होगी। इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बट रियल एंड इन्वर्टेड, दैट मींस के ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं 2f1 के ऊपर, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो इमेज बन रहा है वो भी 2f2 के ऊपर बन रहा है। इन इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, सेम है, इमेज की नेचर क्या बनेगी, रियल बनेगी बट इन्वर्टेड होगी। अगेन इमेज फॉर्मेशन है बाय द कॉन्वेक्स लेंस, के व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1 द इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड द 2f2, इट इज एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहां पे देखिए कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एक और पोजीशन के ऊपर व्हिच इज 2f1 एंड f1, इन दोनों के दरमियान हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो बियॉन्ड द 2f2 के होगी, बट दिस इमेज ऑलवेज इनलार्ज्ड होगा, नेचर के अंदर रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। अगेन एक और इमेज फॉर्मेशन है बाय द कॉन्वेक्स लेंस, के व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1 द इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, इट इज हाईली इनलार्ज्ड रियल एंड इन्वर्टेड, दैट मींस के ऑब्जेक्ट को जब रखा जाए टू f1 के ऊपर तो इमेज की फॉर्मेशन क्या होगी और कहां बनेगी, तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि एट f1 द इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, दैट मींस के इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर उसका इमेज बनेगा और ये इमेज जो है हाईली इनलार्ज्ड होगा, नेचर में रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o, ये एक स्पेशल केस है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, कि दैट मींस के ऑब्जेक्ट को जब f1 प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखा जाता है तो इमेज की फॉर्मेशन कहां पे होती है, इमेज की फॉर्मेशन जो होगी वो सेम साइड ऑफ द लेंस होती है, इनलार्ज्ड होती है, इरेक्ट होती है एंड वर्चुअल होती है। वो यहां पे देखें कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o द इमेज इज फॉर्मड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, इट इज इनलार्ज्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, that is called the special case by the convex lens in which image is formed in at the same size of the same side of the lens, enlarged hota hai, virtual hota hai and erect hota hai jab object ko rakha jata hai optical center of the lens and f1 ke darmiyan। ab hum baat kar rahe hain concave lens ki, ke concave lens kaun sa lens hai aur uski image formation, uske रूल फॉर द रे डायग्राम वो भी हम डिस्कस करेंगे। कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग लेंस और नेगेटिव लेंस, इट इज थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। डेफिनेशन को हमने डिफाइन कर ली कि कॉन्केव लेंस एक ऐसा लेंस है जो लाइट रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, या फिर हम इसको कहते हैं कि ये नेचर में हम इसको कहते हैं कि नेगेटिव लेंस है। बट इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, कि फिजिकल अपीयरेंस यह है कि यहां पे देखें आप कि इसका मिडिल पार्ट जो होता है ऑलवेज थिनर होता है और एजेस क्या होती है इसकी थिकर होती है। जब लाइट रेस पैरेलल और लाइट रेस इसमें से पास होती हैं तो इनके ऊपर अफेक्ट होता है किसका, रिफ्रेक्शन का अमल होता है और उसी रिफ्रेक्शन की वजह से ये क्या हो जाती है, लाइट रेस डाइवर्ज होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। बट दीस लाइट रेस डाइवर्ज फ्रॉम अपियर ऐसे होता है कि वो डाइवर्ज कहां से हो रही है, इस f के थ्रू डाइवर्ज हो रही है। बेसिकली ये f के थ्रू डाइवर्ज नहीं होती क्योंकि लाइट रेस क्या है, पैरेलल आ रही है, बट अपियर ऐसे होता है कि वो f के थ्रू, f पॉइंट के थ्रू डाइवर्ज हो रही है, वैसे ऐसे होता नहीं है। कॉन्केव लेंस की फैमिली है, जैसे पहले हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली, तो इसकी भी फैमिली है, जैसे बाय कॉन्केव लेंस जिसको हम कहते हैं बोथ सर्फेसिस आर हॉलोड इनवर्ड, इनवर्ट की तरफ हॉलोड होते हैं दोनों सर्फेसिस, प्लेनो कॉन्केव लेंस वन हॉलोड इनवर्ट एंड वन प्लेन सर्फेस, एक हॉलोड इनवर्ट होता है और एक उसका प्लेन सर्फेस होता है जिसको हम कहते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस,
convex concave lens, convex on one side and concave on other side. तो दैट मीन्स के एक साइड इसकी कॉन्वेक्स होती है और दूसरी साइड इसकी कॉन्केव होती है. तो यहां पे देखिए कि ये क्या है, दोनों साइड्स हॉलोड इनवर्ड है तो इसको हम कहेंगे डबल कॉन्केव लेंस. एक साइड हॉलोड इनवर्ड है तो एक साइड इसकी क्या है, प्लेन है, दैट इज कॉल्ड द प्लेनो कॉन्केव लेंस. एक साइड इसकी क्या है, कॉन्वेक्स है तो एक साइड इसकी क्या है, कॉन्केव है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस. रूल फॉर दी रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव लेंस. रूल वन, इन अ कॉन्केव लेंस अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रेक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. अब यहां पर देखें कि हम कह रहे हैं कि जब भी लाइट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड. ये लाइट से आ रहा है और ये है F1 फोकस, दैट मींस के रे और फोकस वन दोनों सेम साइड है. तो लाइट रे जब रिफ्रैक्ट होती है तो डाइवर्ज हो जाती है, बट अपीयर ऐसे होती है कि प्रिंसिपल फोकस से ये डाइवर्ज हो रही है. बेसिकली ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज नहीं हो रही, लाइट से पैरेलल थी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम कहां से, प्रिंसिपल फोकस ऑन द सेम साइड. रूल नंबर टू, इन अ कॉन्केव लेंस अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्रेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जब लाइट रे डायरेक्टेड होता है किस तरफ, प्रिंसिपल फोकस नंबर टू की तरफ, तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन लाइट से पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के. ये है रूल ऑफ द रूल नंबर टू ऑफ कॉन्केव लेंस, के व्हेन लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस नंबर टू After the refraction, it parallel to the principal axis, that is called the rule number 2 for concave lens. Rule number 3 for the concave lens is that, in a concave lens, a ray of light passing through the optical center goes without any deviation. Same as, जो हमने पहले convex lens के अंदर पढ़ा, कि जब भी light ray pass होती है, कहां से? Optical center से, तो उसके ऊपर कोई effect नहीं होता refraction का, और light pass हो जाती है straight line के अंदर. तो दैट मीन्स के कोई डेविएशन नहीं आती लाइट रे के अंदर. इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव लेंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस एफ वन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, इट इज हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट. जैसे पहले भी हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा था कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर, तो वहां पे इमेज बन रहा था प्रिंसिपल फोकस नंबर वन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. बट यहां पे क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर रखते हैं तो पैरेलल लाइट रेज जो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज मूव होती है कॉन्केव लेंस की तरफ, तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन ये डाइवर्ज हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है इन डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर. बट दीज लाइट रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ वन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. तो हमें फील ऐसे होता है कि लाइट रेज जो यहां पर डाइवर्ज हो रही है वो कहां से हो रही है, एफ वन के थ्रू हो रही है. बट ऐसा है नहीं, क्योंकि लाइट रेज क्या हो रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, बट आफ्टर द रिफ्रेक्शन ये डाइवर्ज हो रही हो गई और ये अपीयर्स टू डाइवर्ज कहां से, फ्रॉम एफ वन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. ये फर्स्ट वन इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव लेंस है व्हेन ऑब्जेक्ट एज एट द पोजीशन ऑफ द इनफिनिट. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द इंफिनिटी एंड एफ वन द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ वन ऑन F1 and O on the same side of the lens, it is diminished, virtual and erect. Again, एक इमेज फॉर्मेशन है बाय द कॉन्केव लेंस के. ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं इनफाइनाइट और F1 के पोजीशन के अंदर, तो लाइट रेज आफ्टर द रिफ्रेक्शन एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा तो कोई डेविएशन नहीं होती. बट जो दूसरा लाइट रे है वो जब भी इसके अंदर से पास होगा लेंस के थ्रू, तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन डाइवर्ज हो जाएगा. बट इसकी डाइवर्जिंग कहां से अपीयर होगी, फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस नंबर वन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. तो जब ये दो लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी तो ये कहलाएगा इमेज. बट दिस इमेज जो है सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट साइज होगा, इरेक्ट होगा एंड वर्चुअल होगा. तो ये डिमिनिश्ड भी है, वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है. तो दैट मीन्स के इट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव लेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड एफ वन.
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लेंस के जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज साइन ऑफ द कन्वेंशन. साइन ऑफ कन्वेंशन दैट मीन्स के फोकल लेंथ हम जब लेते हैं किसी भी लेंस की तो वो या तो पॉजिटिव लेते हैं या तो नेगेटिव लेते हैं. तो फॉर दी कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो साइन ऑफ कन्वेंशन फॉर दी फोकल लेंथ है दैट इज द पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के जो के लिए जो है वो नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन फॉर दी कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. द साइन ऑफ कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज इज द सेम एज स्फेरिकल मिरर्स एक्सेप्ट दैट द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ. द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज द पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला एक रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. तो आप देखें कि द लेंस फार्मूला फॉर द लेंसेज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q एंड फोकल लेंथ f. द लेंस फार्मूला एक्सप्रेस एज फॉलोज, 1/f इज इक्वल टू द 1/p प्लस 1/q. मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस. मैग्निफिकेशन को हम कहते हैं कि इट इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. यहां पे देखिए मैग्निफिकेशन फॉर द स्फेरिकल लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू h i अपॉन h o. या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि मैग्निफिकेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो. तो दैट मीन्स के मैग्निफिकेशन इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. हम यहां पे देखें द मैग्निफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड अगेन एच आई एच ओ या क्यू अपॉन टी. पावर ऑफ द लेंस. पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर. P is equal to the 1 upon F or F is equal to the 1 upon P. The SI unit of power is diopter D. One diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. The power of convex lens is positive and the power of concave lens is negative. यहां पे देखें कि focal length जो होती है optical center से लेके lens के optical center से लेके principal focus तक जो distance होता है, अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज्ड हो गया तो रिफ्रेक्शन क्या होगी, कम होगी. दैट मींस के बेंडिंग ऑफ लाइट कम होगी तो उस लेंस का पावर भी कम होगा. अगर पावर को हमें इंक्रीज करना है तो ये जो प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वो जितना कम होगा तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस भी कम होगा. जितनी फोकल लेंथ का डिस्टेंस कम होगा उतना उसके अंदर बेंडिंग पावर जो है, रिफ्रेक्शन का पावर जो है वो ज्यादा होगा. तो दैट मींस जितना डिस्टेंस कम उतना पावर ज्यादा, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना पावर कम. यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस. देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस लाइक इन माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. तो दैट मींस कि यहां पे देखें कि ये हमने डिफरेंट यूजेस इसके कॉन्वेक्स लेंस के हमने यहां पे डिफाइन किए. जैसे आपने फिगर में देख रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास कैमरा है, माइक्रोस्कोप है, आई ग्लासेस है, इनके अंदर इन लेंसेज का यूज किया जाता है. और कॉन्केव लेंस के भी यूजेस है, टेलीस्कोप के अंदर कॉन्केव लेंस को यूज किया जाता है, बायनोक्यूलर के अंदर और लेजर के अंदर इनके यूजेस है. ये हमारे एक समरी है लेक्चर की जो आज हमने डिस्कस किया है कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट टिपिकली मेड ऑफ ग्लास विद वन आर टू कर्व सर्फेसिस. A lens refracts lights and form an image. जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये है क्या, एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल है, ये ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट है इसको क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है और इमेज फॉर्मेशन करता है. A concave lens, convex lens is any piece of the transparent material that will converge parallel rays of light down to a point and form a real or virtual image depending on the distance of the object from the lens. जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के अंदर कि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है जो लाइट रेज जब पास होती हैं तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन ऑल लाइट रेज को ये कन्वर्ज करता है एक पॉइंट के ऊपर और इमेज फॉर्म करता है. अब ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रख रहे हैं और इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पर होगी. सेम एज कॉन्केव लेंस
is any piece of the transparent material that will cause parallel rays of light to appear to diverge from a point and form a virtual image that is right side up and smaller than the object. ये भी क्या करता है after the refraction, ये भी एक lens है, optical device है, जिसमें से light rays pass होती है, after the refraction diverge हो जाती है from the appears to diverge होती है from the principal focus, ठीक है, तो फिर वहां से जो image बनता है वो image virtual बनेगा, right side up बनता है, smaller होता है to the object. Optical lenses play important role in our daily life. डेली लाइफ के अंदर इन ऑप्टिकल डिवाइसेस का या ऑप्टिकल लेंसेस का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी के अंदर. दीज लेंसेस आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, कैमरा, प्रोजेक्टर एंड सनग्लासेस टू मेक अवर लाइफ इजियर एंड यूजफुल. ये आज के लेक्चर का ये पूरी की पूरी समरी थी जो आज हमने डिस्कस किया है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हैं क्या, उनकी इमेज फॉर्मेशन क्या है, उनकी मैग्निफिकेशन क्या है, उनका पावर क्या है, ठीक है. तो ये आज हमने जो भी डिस्कस किया है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.